ऐसा है कि हम लोग हमारे बाबा बलदेव प्रसाद जी जड़िया इसकी परंपरा शुरू किया था, उसके साथ में हमारे नत्थूलाल जी जड़िया और महावीर प्रसाद जड़िया, सीताराम जड़िया, राम जी, गोपाल दास जड़िया और हम लोग जो लगे हुए हैं इनका सबका नाम लेने से क्या, जड़िया बंधुओं के द्वारा ये लगभग 117 साल से हम लोग पथरचट्टी रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या करते हैं? पूरा काम ये जो है हम लोगों का भगवान का श्रृंगार है, चौकियां जो रात के रोशनी में जाती हैं इसके पूरी सजावट की जिम्मेदारी जड़िया बंधुओं के ऊपर है, खाली कमेटी का काम जो है वो बाहरी लोग देखते हैं, बाकी सारी काम जो है इसी मकान से पूरा किया जाता है। लगभग ये 117 साल पुरानी परंपराएं हमारे परिवार की है। श्रृंगार का कैसा है, इसमें क्या क्या होता है, क्या सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ इसमें? ज़्यादातर करीब लगभग 3-4 सेट तो हमारे प्योर चांदियाँ के हैं, कुछ जड़ाऊ सिंगारे हैं जो कि अमूल हैं, वो बाज़ार में बिक्री में मिल नहीं सकते, वो हमारे पूर्वजों ने जो बताया पीछे बलदेव प्रसाद वगैरह ने तैयार किया था, और कुछ मोती के हैं, पोत के हैं सिंगारे, उसमें चौकियाँ हमारे पास लगभग 5 चांदियाँ चौकी हैं वो, और एक मोती की है, एक पोत की है वगैरह वगैरह, हमारे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब मूर्तियाँ जो हैं कोई तांबे की हैं कोई चांदी की हैं, इस किस्म से हमारा रामलीला में बराबर से सहयोग होता चला आ रहा। कितने दिन लग जाता है आपको ये सारी तैयारी करने में? ये हम लोग दशहरा शुरू होने के 15 रोज पहले से हम लोग लग जाते हैं रात काम करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, यानी पूरा एक माह के लिए पूरा जुट जाता है। हाँ, ये एक माह हम लोग काम धंधा अपना बंद करके बिना शुल्क के लिए ही हम लोग सेवा भाव से लगे रहते हैं बराबर। अच्छा, ये राम लक्ष्मण सीता का जो चयन होता है, इनको जो चुना जाता है, चुन करके आते हैं, इनका श्रृंगार आप करते हैं कि आपके साथी रहते हैं, इनके साथ क्या ध्यान रखते हैं, क्या क्या करते हैं? भाई, इनका ध्यान जो हम लोग लाते हैं अपनी जिम्मेदारी पर, लड़कों कोई एक ही जगह से हमेशा नहीं आते, कभी सैदाबाद कभी कहीं से, जैसे भी हमारा सेलेक्ट वो हुआ उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं लड़कों का, तो उनकी पूरी देखभाल रखना पड़ता है भाई। जब माँ बाप से उनको हम छीन के लाते हैं तो उनका पूरा जानकारी रखी जाती है, उनका खाना पीना रहना हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारे लोग की होती है, वो हम लोग निभाते हैं। ये किस तरह के बच्चे होते हैं, कौन होते हैं? ये ब्राह्मणों के बच्चे बनते हैं, हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है। क्यों? ये इनको पैर वगैरह जो हजारों पब्लिक हमारे यहाँ की छुट्टी है, तो इसलिए ब्राह्मण के बच्चे हम लोग बनाते हैं, उसका पाप कौन भोग है? कम से कम एक बच्चों को तैयार करने में, एक मूर्तियों को लगभग हमारे समझ से 2 घंटा लग जाता है एक मूर्ति में। पहले मेकअप होता है, उसके बाद देखिए सलमा सितारा वगैरह से सब मुँह का श्रृंगार किया जाता है, फिर कपड़ा लत्ता का है, जेवर है या मुकुट वगैरह है, सब पहनाया जाता है।